guys, Mahrabo is here and welcome back to another video. Guys, we are back with another episode of Let's Explore Bahrain finally. So guys, हम बहुत दिनों बाद आ चुके एक नए व्लॉग के साथ. पहले हम गेमिंग कर रहे थे तो गाइज इग्नोर दिस. तो गाइज आज हम जा रहे हैं प्रिपरेशन करने नेशनल डे की बहरीन की. तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है जल्द बहरीन का 16th of December को. आज तो नहीं है क्योंकि आज अपलोड किया ना वीडियो. तो जो नेशनल डे का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे को वो अपलोड करूँगा. यानी कि गाइज आपको मेरी समझ नहीं आ रही होगी लेकिन 16th of December को नेशनल डे है बहरीन का. तो 16 दिसंबर को मैं ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगा और उसके नेक्स्ट थर्सडे को मैं अपलोड कर दूंगा नेशनल डे का व्लॉग. तो गाइस आज हम जा रहे हैं प्रिपरेशन करने. आपको दिखाएंगे कि मतलब कि जो उधर के यहाँ के स्टोर से यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन चल रही है बहरीन की नेशनल डे की. और हम भी ज़रा कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम बैज वगैरह लेंगे और मतलब फ्लैग्स जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ लेंगे. गाड़ी को भी अपना डेकोरेट करेंगे और मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस इवेंट को. और बहरीन में सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल जो इवेंट है वो है नेशनल डे का. लाइटिंग्स होती है, अभी तो लाइटिंग्स शुरू भी होगी लगना, तो लाइटिंग्स भी होती है और बहुत ही यानी मौज मस्ती होती है यहाँ पर. तो वो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रिपरेशन कैसी होती है. फिर 16 दिसंबर को हम आपको दिखाएंगे भी कि इवेंट को सेलिब्रेट कैसे करते हैं. तो चलो गाइस अभी हम जाते हैं कार में. साथ आ चुकी है मैग्मा गर्ल. हेलो हेलो. तो गाइस और बाय द वे बहरीन में स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट विंटर क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सोच के आप देखोगे हमने फुल यानी कि पहना हुआ है, फुल स्वेट शर्ट पहने हुए हैं हमने. मैग्मा गर्ल को भी देख सकते हो स्वेट शर्ट पहने हुए हैं और वाकई में थोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी विंड चल रही है यहाँ पर. अगर यहाँ पर हम टी शर्ट पहनेंगे लेकिन हमें सर्दी लगेगी. अभी भी बहुत माशाल्लाह बहुत तेज हवा चल रही है यानी हमें सर्दी लग रही है. हमने पूरे बाजू वाली शर्ट भी पहनी है, स्वेट शर्ट भी पहनी है लेकिन फिर भी हमें सर्दी लग रही है. हाँ तो यानी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यूजुअली बहरीन के अंदर ऑल यूजुअली भी नहीं कहूँगा हर वक्त गर्मी रहती है बहरीन में. यानी हर महीने हर वक्त गर्मी रहती है यानी जनवरी फरवरी मार्च जब तक अक्टूबर नहीं आता. बहुत ही रेयरली है यहाँ पर सर्दी हो बहरीन में, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि एक डेजर्ट कंट्री है. ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि सर्दियाँ हों, विंटर विंड चले, ठंडी हवाएं चले, तो ये काफ़ी रेयर है यहाँ पर. मेरे बाल उड़ रहे हैं. तो चलो इस कार में बैठते हैं अभी हम जाके. लेट्स गो. ये है फैमिली ट्री. इसको यहाँ पर फैमिली ट्री से के नाम से नहीं जाना जाता, इसको नाम से जाना जाता है फाइव सर्कल या तो अरबिक में खम्स दुआएर से इस स्टोर को जाना जाता है. और यहाँ पर हर एक्सेसर टाइप की एक्सेसरीज होती है, हाउस होल्ड गिफ्ट्स टॉयस और सब कुछ वगैरह. और नेशनल डे यानी कोई भी इवेंट अगर पास हो तो उसकी भी उसके रिलेटेड भी एक्सेसरीज होती है. तो हम यहाँ पर अपनी शॉपिंग करेंगे. लेट्स गो. بحرين ويا شمس النهار اذا ارتدت يا
بما حوت أضفتي على الكون الرحيب رحابة تمشي كما تمشي العروس إذا مشت بحري तो हम आ चुके हैं यहाँ पर ये मिनी टूथपिक पे फ्लैग लगा है, मतलब आप केक वगैरह पे लगा सकते हो, ये सीन है। और बाकी भाई साहब यहाँ पर कीचेंस और ये नेकलेस वगैरह, और यहाँ पर बैजेस है। मुझे ऑनेस्टली पसंद ये वाला है क्योंकि 50 ईयर्स हो गए बहरीन को, तो सी वाला मुझे पसंद आया तो मैं ये ले रहा हूँ एक। और यहाँ पर रेड एंड वाइट कलर्स में बलून्स वगैरह और ये फ्लैग वगैरह बाकी पैकेट पे, और इसके नीचे गाड़ी पे ये जो विंडो पे अटैच हो जाता है ये वाला, ये और ये जो इनने इस तरह लगाए हुए हैं वैसा ही ऐसा ही फ्लैग है, और ये भी वैसा ही है, और ये कैप है, और यहाँ पर मिनी फ्लैग है। और ये क्या है भाई, सब यहाँ पर विग वगैरह और स्कार्फ है, स्कार्फ ऑलरेडी पड़ा हुआ घर पे, हाँ पिछले साल का पड़ा हुआ है। कैप पसंद है मुझे, ये वाली कैप, दो कैप ले लेते चलो भाई, कैप है और ये स्कार्फ घर पे पड़ा हुआ है पिछले 20 साल का, ये विग नहीं होगा भाई साहब, रेड वाली है ना, हाँ सही है भाई साहब। यहाँ पर और भी काफ़ी तरह के बैज है, मिनी बैजेस है, ये बहरीन का सिंबल वाला बैज है, और ये भी है, और भी बहुत तरह के बैजेस है यहाँ पर। ये स्टिकर्स है बेसिकली, स्टिकर्स, ये की चेन्स हार्ट की शेप में, स्टार की शेप में। और वैसे गाड़ी के लिए लेंगे ये, ओके सही है। अगर तो हमने ले लिया ये दो गाड़ी के लिए फ्लैग लिए, एक कैप लिए, बैज भी लिया है, और बस अब इनको ज़रा बाय करते हैं, कैशियर के रख दिया। तो भाई साहब यहाँ पर ये भी है टॉर्च, पर ये है ये जो लगाते हैं यहाँ पर, तो नहीं लगाया लेकिन उस तरह का है, आपको सब पता चल गया होगा, ये ऐसे हैंग करते हैं दीवारों पे, तो ये वो है रेड एंड वाइट कलर में। और गाइस तो हमने कर ली शॉपिंग, और काफ़ी मज़ेदार शॉपिंग हुई, और हमने वैसे पिछले साल से तो काफ़ी कम शॉपिंग की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घर पे बहुत सारे मतलब एक्सेसरीज पड़े हुए हैं नेशनल डे के लिए, हमारे पास एक बड़ा सा एक फ्लैग भी पड़ा हुआ है, तो फ्लैग हमारे घर में बहुत पड़े हैं, और बस हमने एक बैग लिया है और एक कैप लिया मैंने, और आई गेस दैट्स इट, हमने इतना ही लिया है, और बाकी चीज़ें घर पर ही पड़ी हुई हैं तो वो भी हम यूज़ करेंगे। हुडी भी मैंने ली है ऑलरेडी, मैं आई गेस काफ़ी देर पहले मैं हुडी भी ली थी रेड एंड वाइट कलर की, और मैं और वैसे अभी ग्रोसरी स्टोर में आया, हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। अगस्त हम यहाँ पर चिकन बाय करने आए हैं, हम चिकन को यहाँ से लेंगे और वहाँ पर ये सेक्शन पे कट करेंगे, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो चलो
हम आ चुके हैं मार्केट से बाहर, तो हमने शॉपिंग वगैरह कर ली है सारी। और भाई सब बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर और अभी हम चलते हैं सीधा घर, और रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो चलो हम चलते हैं सीधा कार में और चलते हैं घर। सो लेट्स गो। ओके भाई पक। और गाइस तो हम आ चुके हैं घर, हम नेबरहुड के अंदर एंटर हो चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दिया, अभी हम सीधा अंदर चलते हैं। और काफ़ी मज़ा आया शॉपिंग करके, और बीच में थोड़ी बहुत लाइटिंग है लेकिन मैं इतना परेशान में उनको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। और बाकी आप चांद देख रहे होगे मेरे पीछे। तो चलो अभी हम चलते हैं घर के अंदर, आपको दिखाता है ये सारा मामला पाई। और वो ओके गाइस तो हम आ चुके हैं शॉपिंग करके, आपको दिखा रहे थे। तो ये दो लिए हैं कार के स्लैब, ये बेसिकली यहाँ पर विंडो वाली साइड पर ना ये ऐसे इधर से एडजस्ट हो जाएंगे, इसको ऐसे ये दो लिए हैं ठीक है। और हमने लिया है भाई साहब ये एक कैप, ये आप देख सकते हैं एक कैप है, हम पैंट की भी देख लेते हैं। और गाइस तो ये देखो ये कैप है, मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि बहरीन थीम वाली कैप लूँ। और बैग लिए, ये दो बैग लिए, ये देखिए एक वाइट कलर का है एक रेड कलर का, और इसको देते हैं हम, और डेट्स इट। और बाकी की चीज़ें भी घर के में पिछले साल की पड़ी हुई है, जो कि लास्ट ईयर की हमने जो बाय की थी, काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे हुडी भी है मेरे पास एक, तो वो आपको नेशनल डे वाले व्लॉग के दिन दिखाएंगे। और एक बड़ा सा फ्लैग, बस यानी ऑलरेडी सब कुछ है, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं थी मतलब चाहिए थी वो भी हम ले आए हैं। तो ये थी वीडियो, कैसा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और अगर आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। मैं रेगुलरली थर्सडेज को वीडियोस डालता हूँ, और प्लीज़ मुझे 100K सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, मेरा ये एम है और मुझे आप पे पूरा यकीन है आप मुझे इतने एम तक पहुँचा दोगे। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।